हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हम पादप प्रजनन के इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। प्लांट ब्रीडिंग जो है, जैसे कि हमको पता है कि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिसमें कि खेती और ये सब आते हैं, तो ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग जो है ये भी एक साइंस का पार्ट है, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। और इसका जो एम है वो किसी भी प्लांट या क्रॉप जो है उसके जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव करना है, यानी इसके द्वारा हम इम्प्रूव वेराइटीज़ जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इट इज़ टू इम्प्रूव यील्ड और डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़, ड्रॉट फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ एक्सेट्रा, और इसके द्वारा हम क्रॉप के प्रोडक्शन जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो का मतलब होता है कि कंबाइनिंग डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स इन वन प्लांट एंड देन मल्टीप्लाइंग इट, है ना। जो भी हमें डिज़ायर्ड करेक्टर चाहिए कि हमको उस प्लांट जो है उसके अंदर ग्रेन का साइज़, ग्रेन का नंबर, ये सब बढ़ाना है, तो हम डिज़ायरेबल जो है उससे उसका क्रॉस करा के उससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग के कन्वेंशनल मेथड्स थे, और एडवांस मेथड में जैसे टिश्यू कल्चर है, इसके द्वारा भी हम प्लांट की जो प्लांट्स हैं उनको डिजीज़ फ्री और वायरस फ्री प्लांट्स और उनका प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं, सुपीरियर जो है प्रोजेनी को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, इट इज़ टू इम्प्रूव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स सो दैट दे बिकेम डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप अंडर द कंसिडरेशन। अब इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कई सारे हैं, जैसे कि हायर यील्ड, यानी कि हम इससे क्या है कि ग्रेन, फॉडर, फाइबर, शुगर, जितने भी है ना हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, इन सबको गन्ना, बाजरा, ज्वार, इन सब में डेवलप कर सकते हैं। फिर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें कि है ना मतलब ग्रेन का साइज़, शेप, कलर, है ना, ये सब चीज़ों को अगर इम्प्रूव करना चाहें, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होते हैं, वेजिटेबल्स जो हैं उनमें फ्लेवर, फ्रूट्स, इन सब को इनक्रीज़ करना चाहें, तो ये सब भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, एग्रोनॉमिक करेक्टर्स को हम इनहेंस कर सकते हैं, फोटो और थर्मो इनसेंसिटिविटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, सिंक्रोनस मैच्योरिटी को डेवलप कर सकते हैं, नॉन शेटरिंग करेक्टरिस्टिक्स, डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट्स, डोमेंसी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेराइटीज़ फॉर द न्यू सेशन इसको भी कर सकते हैं, सीजन, मॉइस्चर स्ट्रेस, सॉल्ट टॉलरेंस जो है उनको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं उनको भी एलिमिनेट या रिमूव कर सकते हैं। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यूजफुल ऑफ मैकेनिकल कल्टिवेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे क्या होते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसका स्कोप देखें तो जो स्कोप भी सेम वही है कि भाई हम फ्रॉम द टाइम मेमोरियल हमें पता है कि प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स जो हैं ये मैनकाइंड की हेल्प के लिए बने हुए थे, और इससे हमको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि फूड जो है उसकी सप्लाई को भी हमें बढ़ाना पड़ता है। तो सिंस द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट, देयर इज़ नीड टू स्ट्रेंथन द फूड प्रोडक्शन, विच इज़ अ सीरियस चैलेंज टू साइंटिस्ट कंसर्न विद एग्रीकल्चर। एडवांसेज इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैव शार्पन्ड द टूल्स ऑफ ब्रीडर्स, है ना, और दे हैव एंड ब्राइटन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंस टू सर्व द ह्यूमन काइंड। तो इस तरह से हम जो बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं उनसे भी फील्ड क्रॉप जो है उनको हम उनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम राइस, मेज और सोयाबीन, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर, बीट, इन सब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर उनका कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो डिजीज़ फ्री, वायरस फ्री ऐसे प्लांट्स जो हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं, वीट, राइस, इन सब के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये दो पॉपुलर साइंटिस्ट हैं इन प्लांट ब्रीडिंग, MS स्वामीनाथन सर हैं ये, और दूसरे हैं वेंकटरमनन। तो इस तरह से प्लांट ब्रीडिंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होती है, और हम इन्हें कन्वेंशनल और मॉडर्न मेथड्स जो हैं, जैसे कन्वेंशनल मेथड्स में सिंपल मास सिलेक्शन, ये सारे मेथड्स हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशंस,
और अगर अपन न्यूअर की तरफ जाते हैं तो टिश्यू कल्चर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ओपनिंग ऑप्शन. थैंक यू.